प्रतापगढ़ से है, जहां पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और IMTI कोटा के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नथमल रिझेल ने करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों से अटल भूजल योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और इस योजना में सहयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भूजल विभाग बीकानेर से आए हुए अधिकारी पन्नालाल गहलोत, वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक व दुर्ग सिंह बिदावत SHG ने अटल भूजल के उद्देश्य व लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए योजना के महत्व पर प्रकाश डाला है। और कार्यक्रम के अंत में एक ग्रुप वार्ता का आयोजन भी हुआ है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने प्रश्नों को रखा है और जिनका समाधान प्रशिक्षणकर्ताओं के द्वारा किया गया है। और जयपुर में 29 जून 2022 को राजस्थान ग्रेपलिंग संघ के तत्वाधान में राज्य स्तरीय 8वीं ग्रेपलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के 12 जिलों के 245 प्रतिभा खिलाड़ियों ने भाग लिया। और जिला ग्रेपलिंग संघ के कोच ऋषि मौर्य ने बताया कि धौलपुर में के एक खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, 5 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते हैं, तो वहीं 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं। और मार्शल आर्ट के अध्यक्ष श्री विवेक सिंह बोहरा जी ने धौलपुर जिले की 200 छात्राओं को मार्शल आर्ट गोद लेने का आह्वान किया है और ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली मार्शल आर्ट क्लब की तरफ से पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी, जिसमें बेटियों की ब्लैक बेल्ट तक का 3 साल का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग 4th डन ब्लैक बेल्ट ऋषि कुमार मौर्य द्वारा दी जाएगी, जो कि जापान सोतोकान कुनंजुक कराटे इंटरनेशनल जापान से ब्लैक बेल्ट हैं। और इस कोर्स को निःशुल्क लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, जो कि निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन स्थान आदर्श विद्या मंदिर स्कूल घंटाघर रोड धौलपुर में होंगे। मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर की अध्यक्ष की हैसियत से मैं विवेक सिंह बोहरा क्लब के कर्ता धर्ता और जाने माने आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षक भाई ऋषि मौर्य और उनकी क्लब की टीम को ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में धौलपुर ज़िले की कम से कम 200 बेटियों को वो आत्मरक्षा यानी मार्शल आर्ट्स को सिखाने के लिए गोद लें, ताकि बेटियों पर आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा गलत नीयत से जो वारदातें की जाती हैं उन पर रोकथाम लगे। साथ ही साथ ब्लैक बेल्ट तक का संपूर्ण ट्रेनिंग कोर्स ली मार्शल क्लब धौलपुर के द्वारा निशुल्क होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर इंदिरा गांधी नहर में 4 जून से सिंचाई पानी मिलने की संभावना है। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता ने 4 जून से 29 जून तक का रेगुलेशन तैयार कर मंजूरी के लिए सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त को भिजवाया है और इस अवधि में नहर को 3 में 1 समूह में चलाने का जिक्र प्रस्तावित रेगुलेशन में किया गया है। नहरी क्षेत्र के किसान सिंचाई पानी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब सिंचाई पानी मिलने पर नहर क्षेत्र के किसान खरीफ फसलों की बिजाई कर सकेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार नहरों में पानी चलाने पर जिले में खरीफ फसलों की बिजाई गति में तेजी आएगी। नहरों में सिंचाई पानी चलने के बाद किसान बीटी कॉटन की पछेती बिजाई करेंगे, तो वहीं जून के दूसरे सप्ताह में मूंग बाजरा व ग्वार के साथ ही धान के बिजाई में जुट पाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी की वजह से चीजें अधिक हो रही है और इसीलिए राजस्थान सीमा पर कम पानी पहुंच रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए KNews India। नमस्कार।